देश में समानता चाहिए तो आप मनुस्मृति को आग लगा दो ना अपने हाथों से कि भैया इस मनुस्मृति में असमानता थी, मनुस्मृति खत्म करते हैं और आज से हम भारतीय संविधान को, सारे देश के लोग भारतीय संविधान को मानते, किसी की ना कोई जाति का कोलम होगा ना धर्म का कोलम होगा। मैंने देवी को मानने से इनकार किया, अब देवी मुझे खुद सता देना कि भाई तू मुझे क्यों नहीं मान रही, मैं तुझे तेरे साथ अब गलत करूंगी या तुझे डराऊंगी धमकाऊंगी या तेरे साथ जो भी करना है मैं तेरे ऊपर प्रलय लाऊंगी। तो देवी से मेरी बात है, आप कौन हो बीच में आने वाले, देवी खुद आए ना। देवी पे अगर बेअसर है इसका मतलब देवी में कोई शक्ति नहीं है जो तुम्हें आना पड़ रहा है, तो इसका सीधा सीधा असर है कि देवी देवताओं में कोई शक्ति नहीं है और देश के लोगों ये डर निकाल दो। FIR होने के बाद क्या हुआ, FIR हुई है, अब हम कोर्ट में मिलेंगे, कोर्ट में माता सरस्वती जी आएंगी और कोर्ट में निर्देश भी जाएंगी, कोर्ट में हम देखेंगे माता सरस्वती जी आती हैं या हम जाते हैं, या तो माता सरस्वती जी आकर के दूसरी पार्टी बने, वही फर्स्ट पार्टी हम हो गए, अगर वो सेकंड पार्टी बनकर के आएंगी कोर्ट में तो बहस होगी, देवी से टकराएंगे। और ये सारी देवियाँ ले आएँ अपनी, हम तो तैयार हैं, वो हम पे कोई भी प्रकोप डाल दें, वो हमें क्या कहते हैं किसी भी तरह से नुकसान पहुँचाना चाहती हैं तो वो पहुँचा दें, मैं सजा उठाने के लिए तैयार हूँ, जो भी सजा देंगी, लेकिन माता देवी दें मुझे सजा, मेरे को कोई इंसान की सजा लेने का मुझे कोई हक नहीं है क्योंकि मैंने किसी इंसान के बारे में नहीं बोला। एजेंट तो देते हैं ना, तो मैंने तो नहीं माना ना, वो एजेंट अगर खुद को मान दे तो वो उनको लेकर आए, एक बार तो कम से कम दर्शन करा दें, एक बार तो कम से कम दिखा दें, जो इतने सालों से हमारा समाज मानता चला आ रहा है, तो कम से कम अगर उनमें से किसी एक ने कहा कि भी मैं तो तब मानूंगा जब मैं देख लूंगा, तो फिर दिखा क्यों नहीं देते, इतना छुपा के रखते क्यों, इतना दबा के क्यों रखते, दिखा दो ना, सारा झगड़ा खत्म हो जाएगा, हम जैसों का बोलना ही बंद हो जाएगा। नमस्कार, मैं संजय अम्बेडकर, आप देख रहे हैं भीमराज दस्तक। इस समय मैं मौजूद हूं लखनऊ में, हमारे साथ में हैं निर्देश दीदी जो हर समय मनुवादियों को उबालती रहती हैं, मनुवादियों को कोसती रहती हैं अपने माध्यम से, तो उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, क्या कहेंगी। आज जिस तरह से जगह जगह पे लोग 10,000 की संख्या में बौद्ध धर्म की दीक्षा ले रहे हैं, क्या कहेंगे। देखिए ये लोग दीक्षा ही नहीं ले रहे हैं, एक अच्छा जीवन जीने का एक अच्छा रास्ता पकड़ रहे हैं, और बुद्ध धर्म कोई किसी से कंपटीशन का धर्म नहीं है, ये ऐसा धर्म है जो कि इंसान को अच्छा बनाने के लिए प्रयासरत रहता है हमेशा, साइंटिफिक बेस पर है, इसमें सब कुछ विज्ञानवाद तर्कवाद इस पर आधारित धर्म है। तो इस धर्म को लोग अब जब टेक्नोलॉजी का टाइम बढ़ रहा है, लोगों के इसका लेवल बढ़ रहा है, तो लोगों को जब सोच समझने की क्षमता बढ़ रही है तो उनको लग रहा है कि यार किसी धर्म में विज्ञान और तर्क को जगह नहीं दी गई, केवल और केवल एक ही धर्म है जो तर्क को और विज्ञान को आगे बढ़ाता, वो है बौद्ध धर्म, तो इसलिए लोग बौद्ध धर्म की ओर को तेजी से बढ़ रहे हैं। दिल्ली में राजेंद्र पाल गौतम जी जो है 22 प्रतिज्ञा लेते हुए जो है धम्म दीक्षा दिलाते हैं और उनको पार्टी से इस्तीफा देकर निकाल दिया जाता है, क्या कहेंगे दीदी। इसके लिए तो उनकी पार्टी ने बहुत गलत किया है, और इससे पता चलता है कि वह SC विरोधी हैं, वो OBC विरोधी हैं, और देश की जनता ये बात अच्छे से समझे, जिनको भाई देख करके अपना मसीहा मान लेती है ना, अगर वो तस्वीर लगा लेते तो उनको सोच देती है भाई हमारा कल्याण करेंगे उद्धार करेंगे, ये धोखा है आपके साथ। ये देख लो कि कोई असंवैधानिक बात नहीं बोली, कोई गलत टिप्पणी नहीं कही, कोई अभद्र टिप्पणी नहीं की, कोई किसी को गाली नहीं दी, कोई किसी की चित्र नहीं बिगाड़ा, उसके बावजूद इस समाज के एक मंत्री को इस्तीफा देना पड़ता है केवल इसलिए कि उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर की 22 प्रतिज्ञाओं का संबोधन कर दिया था। क्यों, बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाओं में कौन सी गाली है, बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाएं 1956 में बोली गई और भारत सरकार तब से लेकर उनको छाप रही है, उनके 41 बोलियों में सब में छपी हुई है, तो आप किस आधार पर उनको जो इस्तीफा दिलवा रहे हैं जबरन, ये तो दबाव हो गया ना कि आप हिंदू बने रहिए तभी आपको हम सारे अधिकारों में रखेंगे, तब भी अधिकार नहीं देंगे, अधिकार देने का नाटक करते रहेंगे, तो ये इनका दोगलापन है जो समाज के बीच में आ रहा, और इनके शोषण से परेशान होकर ये लाखों लाखों लोग बौद्ध धर्म की दीक्षा ले रहे हैं, और ये दीक्षा का कार्यक्रम और धर्म छोड़ने का कार्यक्रम ये जारी रहेगा। धम्म दीक्षा को लेकर RSS और BJP खुलेआम जो है, BJP के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी आ गए हैं और कह रहे हैं कि राजेंद्र पाल गौतम जो है हिंदू देशद्रोही हैं। देखिए हिंदू शब्द एक गाली है और हम किसी भी गाली को अपना धर्म नहीं मान सकते, और राजेंद्र पाल गौतम जी एक एडवोकेट भी हैं और शिक्षित व्यक्ति हैं, वो ये बात समझते हैं, तो ये कोई धर्म नहीं है, ये धर्म के नाम पर शोषण का एक काला धब्बा है जो देश पर लगा हुआ है, और काला धब्बा कोई भी हम अपने देश पर लगने नहीं देना चाहते। दिल्ली से चला धम्म दीक्षा समारोह लखनऊ में पहुंचा है, लखनऊ में आज जो है 10,000 की भीड़ भी जो है धम्म दीक्षा लिए, क्या कहेंगे दीदी। देखिए 1,00,000 के करीब नागपुर में ली, उसके बाद 10,000 यहाँ ली, 10,000 यहाँ ले ली, इसका मतलब ये है कि लाखों की लाखों तादाद में लोग जो है वहाँ से अपना अपमान छोड़ करके सम्मानित जीवन जीने के लिए इधर आ रहे हैं, क्योंकि वो भी सम्मान चाहते हैं, जब शिक्षित हो रहे हैं तो सम्मान तो चाहिए ना भैया, ऐसा तो है नहीं कि आप उनको अपने धर्म में भी रखो, उनको प्रताड़ना भी देते रहो, उनको धर्म
उनका क्या कहते हैं पिलर भी बनाते रहो, उन्हें भीड़ भी बनाते रहो आप, इसका मतलब उनकी भीड़ को इस्तेमाल करना चाहते हैं, अधिकार नहीं देना चाहते। अगर अधिकार देना चाहते तो यही हिंदू लोग आरक्षण का विरोध क्यों करते हैं, यही हिंदू लोग इनकी बेटियों के साथ दुराचार क्यों करते हैं, यही हिंदू लोग इनके खड़े खेतों में आग क्यों लगा देते हैं, यही हिंदू लोग इनके इनके जानवरों को क्यों मार देते हैं, यही हिंदू लोग उनके अच्छा बोलने पर नफरत क्यों करते हैं, अच्छा पहनने पर नफरत क्यों करते हैं, घोड़ी पर चढ़ने पर नफरत क्यों करते हैं। अगर ये हिंदू ही हैं और हिंदू ही थे तो आपने आज तक इनमें सम्मान क्यों नहीं दिया। सम्मान से जीने का सबको हक है, एक जानवर भी सम्मान चाहता है। तो हम तो इंसान जन्म लिए हैं और इस सड़ी गली व्यवस्था को छोड़ करके एक सम्मानित जीवन और खुली हवा में सांस लेने का एक ऐसा धर्म हर इंसान को लेने का हक है और लोग ले रहे हैं। इसके लिए आप इनको रोक नहीं सकते, क्योंकि जब आप अपना शोषण नहीं रोक सकते तो लोग वहाँ पर आपको शोषण करवाने के लिए रुके नहीं रहेंगे। ये नहीं लेंगे, इनकी आने वाली पीढ़ी लेंगी, वो इनसे बदला लेंगी। हो सकता है कि इस पीढ़ी में इतना दम ना है कि इनसे बदला ले, लेकिन आगे आने वाली पीढ़ियां इनसे बदला लेंगी। और ये दोबारा से भीमा कोरे गांव को दोहराने की कोशिश कर रहे हैं, ये दमन कर रहे हैं, दबा रहे हैं कि जबरदस्ती मानो। अरे क्यों मानो, मैंने देवी को मानने से इनकार किया, अब देवी मुझे खुद सता देना कि भाई तू मुझे क्यों नहीं मान रही, मैं तुझे तेरे साथ अब गलत करूंगी या तुझे डराऊंगी धमकाऊंगी या तेरे साथ जो भी करना है मैं तेरे ऊपर प्रलय लाऊंगी। तो देवी से मेरी बात है, आप कौन हो बीच में आने वाले, देवी खुद आए ना। देवी पे अगर बेअसर है इसका मतलब देवी में कोई शक्ति नहीं है, जो तुम्हें आना पड़ रहा है तो इसका सीधा सीधा असर है कि देवी देवताओं में कोई शक्ति नहीं है और देश के लोगों ये डर निकाल दो। यही डर का सवाल था दीदी, सरस्वती को लेकर आपने कही थी कि सरस्वती देवी के पास कितनी डिग्री है, मनुवादियों ने आपके पर जो है FIR करवा दी थी, डर नहीं लगता आपको? देखिए मुझे डर इसलिए नहीं लगता क्योंकि मुझे पता है मेरी देवी मेरी माँ है, उसने मुझे 9 माह पेट में रखा, दर्द सहा और जन्म दिया। इस माँ ने हाथ में हथियार होते हुए भी आज तक मेरे समाज की किसी भी बेटी के साथ जब गलत होता है तो कभी इसने आवाज़ नहीं उठाई, इन्होंने कभी भी नहीं कहा कि इन बच्चों के साथ गलत मत करो, इन महिलाओं को आगे लाओ। तो ये उनको क्या कहते हैं, जब सुरक्षा नहीं दे सकती, सम्मान नहीं दे सकती तो ये काहे की देवी है, ये देवी नहीं है। अगर हमारे लिए कोई देवी है तो माता सावित्रीबाई फूले हैं, फातिमा शेख हैं। तो आगे क्या हुआ जब FIR होने के बाद? FIR होने के बाद क्या हुआ, FIR हुई है, अब हम कोर्ट में मिलेंगे, कोर्ट में माता सरस्वती जी आएंगी और कोर्ट में निर्देश भी जाएंगी, कोर्ट में हम देखेंगे माता सरस्वती जी आती हैं या हम जाते हैं, या तो माता सरस्वती जी आकर के दूसरी पार्टी बने, वही फर्स्ट पार्टी हम हो गए, अगर वो सेकंड पार्टी बन करके आएंगी कोर्ट में तो बहस होगी, देवी से टकराएंगे। और ये सारी देवियाँ ले आएँ अपनी, हम तो तैयार हैं, वो हम पे कोई भी प्रकोप डाल दें, वो हमें क्या कहते हैं किसी भी तरह से नुकसान पहुँचाना चाहती हैं तो वो पहुँचा दें, मैं सज़ा उठाने के लिए तैयार हूँ, जो भी सज़ा देंगी, लेकिन माता देवी दें मुझे सज़ा, मेरे को कोई इंसान की सज़ा लेने का मुझे कोई हक नहीं है क्योंकि मैंने किसी इंसान के बारे में नहीं बोला। एजेंट तो देते हैं ना, तो मैंने तो नहीं माना ना, वो एजेंट अगर खुद को मान रहे तो वो उनको लेकर आए, एक बार तो कम से कम दर्शन करा दें, एक बार तो कम से कम दिखा दें, जो इतने सालों से हमारा समाज मानता चला आ रहा है, तो कम से कम अगर उनमें से किसी एक ने कहा कि भी मैं तो तब मानूंगा जब मैं देख लूंगा, तो फिर दिखा क्यों नहीं देते, इतना छुपा के रखते क्यों, इतना दबा के क्यों रखते, दिखा दो ना, सारा झगड़ा खत्म हो जाएगा, हम जैसों का बोलना ही बंद हो जाएगा। देश का बहुजन वर्ग जो है RSS की तरफ जा रहा दीदी, कौन कह रहा है, कौन कह रहा है, देख रहे हैं अभी बहुत देख रहे हैं, कौन कह रहा है, ये भटके हुए लोग हैं और ये नहीं बोले लोगों को RSS की ओर ले जाते हैं। बताओ कितने लोग यहाँ पर है, कौन चाहता है कि RSS की ओर जाए, RSS जो महिलाओं को पैर की जूती मानता है, RSS जो कहता है कि भाई दलितों को शूद्रों को पीछे रखना चाहिए, जो वर्ण व्यवस्था पर अपनी बात रखता है, तो ऐसे RSS को कौन युवा मान रहा है, वो बेचारा भटका होगा, भोला होगा या अभी शिक्षित नहीं होगा या उसे इतना ज्ञान नहीं होगा कि मेरे खिलाफ मेरे से लाठी चलवा रहे हैं। तो ये वही लोग हैं जो भोले हैं अभी अशिक्षित हैं, वो तुम्हारे ही खिलाफ तुम्हारे हाथों से लाठी चलवाते हैं, वो तुम्हारे ही खिलाफ तुम्हारी बहन बेटियों पर एसिड फिकवाते हैं, वो तुम्हारे ही खिलाफ तुम्हारे अगर पक्ष में कोई बोल रहा होगा तो तुम्हारे हाथों से उसकी हत्या करवाते हैं। तो ये साजिश और षड्यंत्र के तहत उन लोगों को इस्तेमाल करते हैं। तो मोहन भागवत जी कह रहे हैं कि देश में समानता चाहिए, देश में समानता चाहिए, तो आप मनुस्मृति को आग लगा दो ना अपने हाथों से कि भैया इस मनुस्मृति में असमानता थी, मनुस्मृति खत्म करते हैं और आज से हम भारतीय संविधान को सारे देश के लोग भारतीय संविधान को मानते हैं, किसी की ना कोई जाति का कोलम होगा ना धर्म का कोलम होगा, समानता तो तभी आएगी ना। और बुद्ध धर्म से अच्छी समानता क्या है, और बुद्ध को आपने 11वां अवतार भी कहा है तो बुद्ध की ओर सारे लोग चले जाएं। भाई इंसानियत तो चाहिए, शांति से रहने के लिए जीवन ही तो चाहिए, आप और हम चलो शांति से जीवन जी लेते हैं ना, क्यों रक्तपात, क्यों मारकाट, क्यों जबरदस्त लोगों को हिंदू बनाने की आप प्लानिंग कर रहे हैं, क्यों इतना दबाव डाल रहे हैं कि लोग हिंदू ही बने, इंसान बन जाए ना, और इंसान बनने की पूरी इजाजत बुद्ध धर्म देता है, तो आ जाओ सारे शांतिपूर्ण तरीके से, आप भी रहो हम भी रहें, दो टाइम का खाना खाएं, स्वास्थ्य शिक्षा सरकार से सब कुछ मांग सकते हैं उसमें, तो क्यों आतंक फैलाने की जरूरत है भैया। तो इधर बात हुई दीदी निर्देश सिंह से, इनका कहना है कि बौद्ध धर्म में जो जाता है जो वैचारिक होता है वो जाता है,